तो हम बात करने वाले LIC ऑफिसर के बारे में। अगर इसके बारे में आपको नॉलेजेबल नहीं है तो इस वीडियो को देख ले तो आप नॉलेजेबल हो जाते हो। इसमें फिर मिस्टेक नहीं करोगे कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज इस वीडियो में कवर करने वाले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं LIC ऑफिसर के बारे में। तो देखो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होती है इसके फुल फॉर्म जो होती है लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर। आप जानते हो कि LIC के नाम बहुत बार सुने होंगे, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ये प्रोडक्ट करवाती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन आपकी कोई से भी डिग्री हो, चाहे आपके साइंस से हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। इसमें परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं है, 50% आपका है तो आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है, के लेवल पे भी जा सकते हो। पर ये जो हम लोग पोस्ट के बारे में बात करने वाले हो, ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही आती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करते हैं, 21 साल से लेकर 30 साल तक आप दे सकते हो। ये रिसर्च कैटेगरी भाई आपको रिलेशन आपको मिलती है कि किस कैटेगरी में, जनरल में, कॉमर्स में, तो देख लेना। 1-2-3 साल के इधर उधर होती है इसमें, ठीक है ना, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ती है। डिपार्टमेंट पोस्ट की बात करते हैं, लीगल अगर बात करते हैं, बैचलर इन लॉ के बात करें तो LLM होती है, जो कि आपको अगर लॉयर में जाना है तो ये सारी चीजें आप करके जा सकते हो, ठीक है ना। IT अगर कर लेते हो, यानी IT कर लेते हो, तो उसके बाद ग्रेजुएशन जो बैचलर होती है इंजीनियरिंग CS IT और इलेक्ट्रिकल, तो MC और MSc कंप्यूटर करते हो तो वो सारी चीज इसमें भी जा सकते हो। CA कर लेते हो, पास होते हो, ICIA कर लेते हो तो वहां पर भी जा सकते हो। राजभाषा इंग्लिश सब्जेक्ट या बैचलर किए हुए वो भी जा सकते हैं। एक्चुअल में आती इसमें भी पोस्ट आती है। देखो, ये सारी चीज़ें पोस्ट भी कर सकते हो, या कर सकते हो कि ये डिपार्टमेंट भी है, ठीक है ना, एक लेखा से ये सब्जेक्ट भी है। मार्केटिंग में भी जा सकते हो, पॉलिसी में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ये सेम टू सेम अगर देखा जाए तो UPSC एग्जाम जैसे कंडक्ट करवाती है। जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम होती है, 100 क्वेश्चन आती है, MCQ आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेन एग्जाम होती है, उसका इंटरव्यू होती है। देख लो, यहाँ पर थोड़ा पॉज करके देख लो किस तरह के क्वेश्चन आती है। बात करें प्रीलिम्स की कितने आते हैं मार्क्स और मेंस में कितने आते हैं, तो थोड़ा पॉज करके देख लो। ये लंबा वीडियो मैंने चाहता हूँ कि हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप सैलरी की बात करते हैं, ये जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है कितना, 32,700 पर मंथ होती है। उसका देखो, इसमें बहुत ज़्यादा है, हाउस रेंट मिलेगी, गवर्नमेंट जैसे एकदम गवर्नमेंट, ठीक है ना। सिटी कंपटीशन मतलब जिस सिटी में आप रह रहे हो उसी के हिसाब से आपको पैसा दी जाएंगे, ठीक है ना जी। अदर एडमिनिस्ट्रेटर अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पूरा अगर देखा जाए, टोटल अगर अलाउंस मिलाकर देखा तो 60,000 आपको पहले मंथ में आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। अभी तो इससे अच्छा कोई है नहीं, है ना जी। थोड़ा सा पढ़े और देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना छोटा सा पोस्ट के लिए आप एक कर सकते हो। एग्जाम देने के बाद ये एग्जाम जब दे देते हो तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा पैसा अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।